पंजाब के लुधियाना में गुरुवार को अदालत में ब्लास्ट हुआ है। धमाका अदालत की तीसरी मंजिल पर हुआ और इसमें दो लोगों की मौत हो गई है, चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये धमाका पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लुधियाना पहुंचने से कुछ देर पहले ही हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाका तीसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम में हुआ। सूत्रों ने बताया कि एक बॉडी अभी बाथरूम में ही मौजूद है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ये बॉडी सुसाइड बॉम्बर की है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। जांच के लिए एनआईए की दो सदस्यीय टीम भी चंडीगढ़ से रवाना हो चुकी है। एनआईए की टीम पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर धमाके की जांच करेगी। इसमें ये भी देखा जाएगा कि क्या ये विदेशी ताकतों की हरकत तो नहीं, अगर इसमें टेरर एंगल मिला तो फिर एनआईए जांच अपने हाथ में ले लेगी। ब्लास्ट के समय अदालत में मौजूद क्लर्क गुरपाल सिंह ने कहा कि फोटो स्टेट की मशीन के पीछे बाथरूम में ब्लास्ट हुआ है, चार घायल है, एक या दो की हालत इतनी गंभीर है कि उनकी डेथ भी हो सकती है, तीन को मैं खुद नीचे छोड़कर आया हूं। ये धमाका तीसरी मंजिल पर कोर्ट नंबर 9 के पास बाथरूम में हुआ। धमाका होने से कोर्ट की पूरी इमारत हिल गई, इमारत की खिड़कियों के शीशे चटक गए हैं और पार्किंग में खड़ी कारें भी क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर मौजूद लोग सिलेंडर फटने की आशंका जता रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अभी धमाके के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। आला पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। पुलिस बल ने कोर्ट परिसर को चारों तरफ से घेर लिया है। शहर भर में हाई अलर्ट जारी करते हुए नाकाबंदी कर दी गई है। शहर में आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। धमाके के बाद सीएम चन्नी ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही देश और पंजाब विरोधी ताकतें माहौल खराब कर रही है। पहले बेअदबी के जरिए पंजाब में गड़बड़ी की कोशिश की गई, उसमें कामयाब नहीं हुए, अब इस तरह की हरकत की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। खबरों के लिए बने रहिए मृदुभाषी के साथ।